बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच कानूनी जंग अभी खत्म नहीं हुई है और ना ही ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका छोड़ते हैं। लेकिन इस बार ऋतिक कंगना के बचाव में उतरे हैं और कैरेक्टरलेस कंगना ट्रेंड करने पर ऋतिक ने गुस्सा जाहिर किया है। ईमेल हैकिंग विवाद में ऋतिक और कंगना की तरफ से आए दिन नए नए खुलासे और दावे होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार ऋतिक की तरफ से कंगना के लिए हमदर्दी दिखी है। दरअसल ट्विटर पर कैरेक्टरलेस कंगना टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है और इस विषय को लेकर कंगना को भला बुरा कहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति ने ट्वीट किया है कि मैं उनके अभिनय को पसंद करता हूं, लेकिन उनके घटिया हथकंडे को नहीं, चरित्रहीन कंगना। वहीं एक अन्य पोस्ट में कहा है कि कंगना प्रचार के लिए विवादित रास्ता अख्तियार कर रही हैं, चरित्रहीन कंगना। इस ट्रेंड के बढ़ते ही जवाब में ऋतिक ने लिखा, किसी के बारे में फैसला करना चरित्रहीनता है, चाहे जो कुछ भी हुआ है गुस्से को खत्म करें और प्यार फैलाएं। इससे पहले कंगना के कैरेक्टर को लेकर उनके एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कंगना ऋतिक के बीच फर्जी ईमेल आईडी को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ तब आया जब कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने उन पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। अध्ययन ने यहां तक कहा कि कंगना उनको अशुद्ध खून पिलाती हैं और उन पर काला जादू करती हैं। उन्होंने कंगना के चाल चलन पर भी सवाल उठाया। आपको बता दें कि इस मामले में कंगना का बयान साइबर सेल पुलिस ने दर्ज कर लिया है और कंगना ने पुलिस को कई ऐसे बयान दिए हैं जिन बातों को ऋतिक ने पुलिस को नहीं बताया था। कंगना ऋतिक की यह जंग दिनों दिन एक नया मोड़ लेती जा रही है और ऐसे में ऋतिक का कंगना के बचाव में आना एक नया सवाल पैदा करता है, क्या यह महज एक पब्लिसिटी स्टंट है?